हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं रेमेडी बताऊंगी, अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा झाइयों की प्रॉब्लम है, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, आप चाहते हैं कि आपके चेहरे की झाइयाँ ठीक हो जाएं, तो आज की रेमेडी आप ही के लिए है। आप इसे यूज़ कीजिएगा, इससे आपके चेहरे की झाइयाँ, दाग धब्बे वो दूर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारी रेमेडी लगा ली हैं, लगा के थक चुके हैं, आप चाहते हैं आपके चेहरे की झाइयाँ जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए, तो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, इसे लगाने से आपको बहुत अच्छा फ़र्क पड़ने वाला है। तो कोई भी रेमेडी काम तब करती है जब हमें उसे यूज़ करते हैं, तो इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा अगर आप यूज़ करेंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इस रेमेडी को बनाना कैसे है। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ जायफल। जायफल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये जो है हमारे चेहरे के पिंपल्स ठीक करते हैं, दाग धब्बे ठीक करते हैं, साथ में अगर हमारे चेहरे पे जो झाइयाँ होती है उन्हें भी ठीक कर देते हैं। जायफल का यूज मसालों में किया जाता है, ये आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। तो ये जो जायफल देख रहे हैं, आपको यही लेना है, आपको मार्केट से लाना है और इसे मिक्सी में पीस करके इसका पाउडर बनाना है। तो एक जायफल का आप पाउडर बना सकते हैं, तो अच्छे से इसका पाउडर बना लेना है, उसके बाद इसका यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे जो जायफल है वो मार्केट से मंगवाए हैं, आपको किसी भी दुकान में मिल जाएंगे, किराने की जो दुकान है वहाँ से आप खरीद लीजिएगा और बहुत ही अच्छा रहता है झाइयों के लिए ये जो जायफल है वो। तो चलिए अब इस रेमेडी को बना लेते हैं। इस जायफल को पहले मिक्सी में पीसना है, उसके बाद इसे कैसे लगाना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बाउल लिया है, खाली बाउल। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक चम्मच चावल का आटा। तो फ्रेंड्स, एक चम्मच चावल का आटा लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। चावल का आटा क्या करता है, हमारे चेहरे के जो झाइयाँ हैं उन्हें दूर करता है, दाग धब्बों को दूर करता है, हमारे कलर को फेयर बनाता है। तो बारीक जो चावल का आटा आता है वो ही लेना है। आप चाहें तो मार्केट से ले सकते हैं, आप चाहें तो घर पर पीस सकते हैं। तो एक चम्मच चावल का आटा लेने के बाद आपको लेना है आधा चम्मच, ये जो जायफल हमने मिक्सी के अंदर पीसा था वो लेना है। तो आधा चम्मच मैंने जायफल का पाउडर लिया है। फ्रेंड्स, जायफल का पाउडर आपको बारीक बना लेना है अच्छे से छान करके। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच जो है जायफल का पाउडर लिया है। तो फ्रेंड्स, जायफल का पाउडर लेने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी 3 से 4 कतरे केसर के ले रही हूँ। केसर जो है हमारे रंग को निखारता है, दाग धब्बों को दूर करता है, साथ में हमारे कलर को फेयर बनाता है, अच्छा ग्लो लाता है। तो मैंने 3 से 4 कतरे केसर के लिए हैं, बहुत अच्छी रहती है केसर जो है हमारे चेहरे के लिए। तो ज़्यादा नहीं लेना है, 3 से 4 कतरे आपको केसर के लेने हैं। उसके बाद लेना है कच्चा दूध, जी हाँ कच्चा दूध लेना है। अच्छे से कच्चे दूध को इसके अंदर मिक्स करना है। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे दूध लिया है, अच्छे से आपको इस रेमेडी को मिक्स कर लेना है। इसे पतला बिल्कुल भी नहीं बनाना है, ना ही गाढ़ा बनाना है। तो मैं इस रेमेडी को अच्छे से मिक्स करूंगी। ये बहुत अच्छा फेस पैक है, इससे आपके चेहरे की झाइयाँ दूर हो जाएगी, आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं, पिंपल्स आ गए हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छी रेमेडी है। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, 1 से 2 मिनट मिक्स करने के बाद आपको इसे अप्लाई करना है पूरे चेहरे पर। आपको इसे लगाना है हफ्ते में 3 बार और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है, मिक्स करने के बाद इसे अप्लाई कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो चलिए इसे लगा लेते हैं पूरे चेहरे पे। तो फ्रेंड्स, इस फेस पैक को आपको लगाने से पहले अच्छे से अपने फेस को वॉश करना है, उसी के बाद इस फेस पैक को लगाना है और आपको पूरे चेहरे पे इसे लगा लेना है। ये नहीं है कि आपके चेहरे पे जहाँ जहाँ झाइयाँ हैं वहाँ पे लगाना है, नहीं, आपको पूरे चेहरे पे इस फेस पैक को अच्छे से लगा लेना है और आपको पूरे चेहरे पे लगा करके इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। आप चाहें तो 10 मिनट रख सकते हैं, आप चाहें तो 15 मिनट रख सकते हैं। इसे लगा करके आपको 10 से 15 मिनट रखना है, उसके बाद आपको मसाज करते हुए ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। इससे आपके चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा, आपकी स्किन काफ़ी अच्छी हो जाएगी, दाग धब्बे हैं आपके चेहरे पे ग्लो नहीं है, आपके चेहरे की जो झाइयाँ हैं, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा झाइयों की प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि आपके चेहरे की झाइयाँ ठीक हो जाएँ तो इस रेमेडी को यूज़ कीजिएगा और इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो। हफ्ते में 3 बार यूज़ करना है आपको।
तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।